नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में और स्टॉक ने अपने क्वार्टर टू के कुछ अपडेट्स पेश करे हैं आज के सेशन में, जो आप सभी को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम काम ही वो करते हैं जहां पे जो खबर आती है वो आप तक पहुंचाने का। तो ये तो बताना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस स्टॉक में ट्रेडर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस शेयर की बात करें तो ये स्टॉक आज के सेशन में 0.24% गिरकर बंद होता हुआ दिखा है। अगर मैं भाव के बारे में बात करूं तो लगभग 103.30 रुपीस के लेवल्स पे बंद होता हुआ दिखा है। टाटा स्टील रिकॉर्ड्स 2% ग्रोथ इन क्वार्टर टू स्टील प्रोडक्शन। तो ये एक हेडलाइन समझ लीजिए आप, जो सिंपल सी भाषा में बता रही है आपको कि टाटा स्टील ने स्टील के प्रोडक्शन में 2% की ग्रोथ अचीव करी है। बाकी की मैं अब आपको बताने जा रहा हूं जो बड़ी बड़ी और मेन मेन और हिडन डिटेल्स हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो बस, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी डेली लाइफ जानना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग चैनल को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप मेरी डेली लाइफ भी जान सकते हैं एंड वहां पे मैं आप सभी के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी बात कर रहा हूं और जो कमेंट्स जा रहे हैं उनके रिलेटेड भी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप यहां से उस चैनल पे जा रहे हैं, फिर वीडियो देख रहे हैं, फिर कमेंट भी कर रहे हैं, तो ये तो मतलब मेहरबानी आप लोगों की और प्यार है आपका, बस उसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बात करेंगे टाटा स्टील के शेयर के बारे में, इसके प्रोडक्शन की जो अपडेट आई है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं लगभग टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो कंपनी ने कहा है इंडिया प्रोडक्शन वॉल्यूम सीन एट 4.81 मिलियन टन्स। कंपनी ने जो इस बार प्रोडक्शन कराया वो लगभग 4.81 मिलियन टन्स का कराया वर्सेस 4.92 मिलियन टन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोडक्शन घट गया है। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो प्रोडक्शन को कम करा है कंपनी ने क्योंकि डिमांड की वैसे ही कमी है, तो प्रोडक्शन कम हुआ है इंडिया में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पहले 4.92 मिलियन टन्स का था, अभी 4.81 मिलियन टन्स का है। चलिए नेक्स्ट, काफी सारे लोग सोचते होंगे इसका क्या मतलब बनता है, बेफिजूल की बात है, क्यों जाने हम अपडेट। तो दोस्तों जैसी अपडेट होगी ना उसी हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे, तो जैसे रिजल्ट्स आएंगे फिर रिएक्ट करेगा स्टॉक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट में आपके लिए। टाटा स्टील नेक्स्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स, टाटा स्टील इंडिया 4.91 मिलियन टन्स वर्सेस 4.07 मिलियन टन्स, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यूरोप में, यूरोप का डाटा जो दिखा रहा है वो 1.88 मिलियन टन्स का आया है, 2.14 मिलियन टन्स से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो ये काफी कम हो गया है। थाईलैंड में 0.30 मिलियन टन्स का है, 0.31 मिलियन टन्स के मुकाबले। तो इस बार प्रोडक्शन ना हर जगह कमी दिख रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं सिंपल सी भाषा में। यूरोप प्रोडक्शन वॉल्यूम सीन है 2.40 मिलियन टन्स वर्सेस 2.44 मिलियन टन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी थाईलैंड प्रोडक्शन वॉल्यूम सीन एट तो वॉल्यूम प्रोडक्शन भी गिरा है एंड नॉर्मल यूरोप का प्रोडक्शन भी गिरा है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट्स थोड़े से शांत नंबर हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन की कमी दिखाई जा रही है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ होगी ही होगी, लेकिन जो बेस था ना वो बेस बहुत स्ट्रांग हो गया था, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया था लास्ट क्वार्टर में, तो उससे अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है। तो ये एक तो मेन अपडेट हो गई, ठीक है। अभी मैं आप सभी के साथ और बात करता हूं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो इस स्टॉक को लेकर मैं अभी सिंपल सा व्यू रख रहा हूं दोस्तों, जब तक स्टॉक 105.50 रुपीस के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ट्रेडिंग व्यू अभी नहीं बनता है। इन्वेस्टर्स के लिए 95 पे पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने कर दिया था, अभी अगर ये स्टॉक गिरावट दिखाता है दोबारा कभी 93 के या 92 पे आता है तब सेकंड इंस्टॉलमेंट डालना है 20% वाला। अभी इस स्टॉक में कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को भी नहीं करनी है क्योंकि व्यू नहीं बन रहा है। 105.50 के ऊपर ही पॉजिटिव होगा स्टॉक, जहां पे 108 109 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस क्रूड स्टील प्रोडक्शन डिक्लाइन 2.24% फ्रॉम 4.92 मिलियन टन्स इन Q1 FY23। द कंपनी सेड द डिक्रीज इन स्टील प्रोडक्शन वाज मेनली ड्यू टू प्लान, यानी कि इन्होंने जो स्टील प्रोडक्शन में कमी करी है वो इनके प्लान के अकॉर्डिंग है क्योंकि डिमांड की कमी शायद यही होगा और क्या है। ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस क्रूड स्टील प्रोडक्शन डिक्लाइन 2.24% फ्रॉम 4.92 मिलियन टन्स इन Q1 FY23। द कंपनी सेट प्लांट मेंटेनेंस शट डाउन ऑन
हाफ ईयर बेसिस क्रूड स्टील प्रोडक्शन वॉज अप 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस, डिलीवरी स्टूड एट 4.91 मिलियन टन, अ ग्रोथ ऑफ 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 21% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिस्पाइट सीजनल वीकनेस ड्यू टू मॉनसून। तो मॉनसून के कारण इनमें एक सीजनल वीकनेस भी रहती है, बट उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा करा है। तो ये इनकी तरफ से एक अपडेट आती हुई दिख रही है। बाकी ये बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं सारी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आप नेक्स्ट बताता हूँ जो मेन दिखता है मुझे। ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस द स्टील मेजर्स नेट प्रॉफिट ड्रॉप 21% टू 7,740 करोड़ ऑन 18.8% इंक्रीज इन नेट सेल्स। तो ये भी एक डाटा आया है इनकी तरफ से। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इनका मेन अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो ये प्रोडक्शन को कम करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कम हुआ है, करानी है कम हुआ है, वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग था, ऐसा ये कंपनी कह रही है। और हो भी सकता है, क्योंकि डिमांड की जब कमी है तो ऑब्वियस सी बात है कमी करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सपोर्ट पे आपके लिए बैन लगा रखा है, बैन तो नहीं लगा रखा, एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ा रखी है, तो वहाँ से भी दिक्कत है। तो ओवरऑल थोड़े ठंडे नंबर्स रहने की उम्मीद है। और वैसे भी जो ये अभी ग्लोबली चिंताएं चल रही हैं वो मेटल्स को अभी इतनी जल्दी से ऊपर नहीं आने देंगी। बाकी शॉर्ट टर्म में उछाल आते रहेंगे वो एक अलग बात है, बट लॉन्ग टर्म का व्यू रखें तो बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।